नमस्ते फ्रेंड्स, इरा रंगोली आर्ट्स में आप सभी का स्वागत। आज की जो रंगोली हम निकाल रहे हैं वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए है। राउंड किस प्रकार निकाला जाए इसीलिए हमने कुछ पहले से ही कुछ ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखें। अगर देखा नहीं तो हम आगे जाके ज़रूर दिखाएंगे और डिटेल्स में उसमें। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आपको जब रंगोली निकाल रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, इसीलिए हम बाहर से उसको पहले कलर्स मार रहे हैं। रंगोली बनाने के लिए आपको जो छन्नी है वो काफ़ी नज़दीक रखनी है ताकि आपका जो कलर है वो बॉर्डर के बाहर नहीं आए। यहाँ पर जो हमने कलर शेडिंग लिया है वो यहाँ पर ये पिकॉक कलर है। एक्चुअली दिखने में आपको ये ब्लू शेड लग रहा है, लेकिन ये कैमरा क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक बॉर्डर वहाँ के कंप्लीट होने के बाद हम अभी अंदर कलर मार रहे हैं। अभी पहले पिकॉक कलर लेने के बाद वहाँ पर अभी हम स्काई ब्लू कलर उसमें ऐड कर रहे हैं। जो भी शेडिंग आएगा थोड़ा सा लाइट उसके बाद आएगा। रंगोली के कुछ बेसिक स्टेप्स भी हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये कलर शेडिंग अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कलर कम ज़्यादा करते हुए हमें ये रंगोली का जो गोल है वो कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुछ अभी लेटरिंग करेंगे हम। जैसे कि देख रही है काफ़ी आसान तकनीक है। इसको बनाने के लिए सिर्फ हमें जो सरपरेशा जो है उसके लिए कुछ अलग वीडियो हमने बनाया है। 10 नंबर का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ऐसे हाथ लेना है और आपको सिर्फ उंगली आड़ी टेढ़ी सिर्फ करनी है। ये काफ़ी आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये रंगोली अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ये कलर जो है, जो कुछ भी मारा है वो महेंद्र काका ने हमें मार के दिखाया है। इसमें अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Anything about it?